अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेटालोग्राफी एंड हीट ट्रीटमेंट में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरमीडिएट पॉलिशिंग। माउंटिंग तक हम पढ़ चुके हैं, माउंटिंग हमने पढ़ा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग हमने पढ़ी। अब माउंटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिमन की प्रिपरेशन के लिए वो है इंटरमीडिएट पॉलिशिंग। इंटरमीडिएट पॉलिशिंग को हम फाइन ग्राइंडिंग का नाम भी देते हैं, इंटरमीडिएट पॉलिशिंग का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पॉलिशिंग जो है ये हम सीरीज ऑफ एमरी पेपर, स्पेशल टाइप ऑफ एमरी पेपर जो है वो यूज करते हैं। जो सबसे कोर्स होता है, जो सबसे रफ इसमें एमरी पेपर होता है, उसको हम नंबर वन होता है, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग नंबर वन है। और जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे ये एमरी पेपर जो है ये फाइन होते जाएंगे, वन के बाद 1/0, 2/0, 3/0 और फाइनली हम 4/0, ये सारे 1/1 एमरी पेपर्स हम यूज करेंगे। स्पेसिमन को सबसे पहले हम नंबर वन एमरी पेपर के ऊपर हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, इंटरमीडिएट पॉलिशिंग करेंगे, वो कंप्लीट होने के बाद फिर 1/0 के ऊपर जाएंगे, ये इसी तरह 2/0, 3/0, फाइनली 4/0 तक जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा जो इंटरमीडिएट पॉलिशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको आगे फर्दर पढ़ने से पहले एक जरूरी जो नोट है वो जहन में रखना जरूरी है कि हम जितने भी पॉलिशिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन करेंगे उसमें एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या है, इन ऑल ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशन द स्पेसिमन शुड बी मूव्ड परपेंडिकुलर टू द एग्जिस्टिंग स्क्रैचेस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, हमने आपको याद होगा कि स्पेसिमन की कटिंग और साइजिंग के बाद उसकी रफ ग्राइंडिंग की थी, जो कि हमने सॉफ्ट के लिए फाइल को यूज किया था, स्मूथ फाइल को, और हार्ड जो स्पेसिमन थे उनके लिए हमने पेडेस्टल ग्राइंडर के ऊपर उनकी रफ ग्राइंडिंग की थी। तो मैंने उस वक्त बताया था कि जो कटिंग के जो स्क्रैचेस थे, हेक्सा के जो स्क्रैचेस थे, पावर ब्रेसिव व्हील के जो स्क्रैचेस थे, वो सारे खत्म हो गए, और जब हमने उसकी रफ ग्राइंडिंग की तो उनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एक ही डायरेक्शन में उस ग्राइंडर के, उस फाइल के स्क्रैचेस आपको नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो जरूरी नोट है ये लिखा हुआ है कि जब आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना है, ये एक स्टेप ये रफ ग्राइंडिंग हो गया, दूसरा स्टेप है इंटरमीडिएट पॉलिशिंग। इंटरमीडिएट पॉलिशिंग एक स्टेप नहीं है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स है स्टूडेंट्स। इन सब स्टेप्स के लिए ये जरूरी नोट है कि जब आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाना है तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वो जरा समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा स्पेसिमन है, इसके ऊपर जो है वो वन डायरेक्शनल ये सारी स्क्रैचेस ये आपके सामने है, आपको नजर आ रही है। जब हमने इसको नेक्स्ट एमरी पेपर के ऊपर लेके जाना है, उसकी ग्राइंडिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है, तो हमने क्या करना है कि ये जो स्पेसिमन है उसको इस तरह मूव करना है कि इसकी स्क्रैचेस जो है ये स्क्रैचेस इसी तरह रहे, ठीक है। लेकिन जब आप उस एमरी पेपर के ऊपर इसको मूव करेंगे, मैनुअल आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, इसको ऐसे मूव करेंगे, इसको मजबूती से आपने पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो स्क्रैचेस थे वो इस डायरेक्शन के हैं, लेकिन हमने जब नेक्स्ट पेपर के ऊपर जाना है तो इसके ऊपर जो स्क्रैचेस चलेंगे उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इट मींस कि ये इसके पहले वाले एग्जिस्टिंग स्क्रैचेस ये नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो नए स्क्रैचेस इसके ऊपर पड़ेंगे वो इस तरह होंगे। स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को पिक कर रहे हैं कि पहले वाले स्क्रैचेस जो हैं वो भी हमें नीचे नजर आएंगे, जो ऊपर नए स्क्रैच उस एवरी पेपर के आ रहे हैं वो भी हमें नजर आएंगे। हमने इस स्पेसिमन को ऐसे राउंड मूव नहीं करना, हमने उसी जगह से उसको मजबूती से पकड़ के रखना है, चाहे आप मैनुअल कर रहे हैं, चाहे कोई मशीन यूज कर रहे हैं, रोटेटिंग व्हील्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने होल्ड किया हुआ इसको, तो आपने उसी जगह पे इसको रखना है। कब तक रखना है कि जब तक ये प्रीवियस नीचे वाले स्क्रैचेस नजर आना बंद हो जाएं, नए स्क्रैचेस जो इसके ऊपर डर रहे हैं उस एमरी पेपर के वो आ जाएं, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बट इट मीन्स के जो इसके रिमेनिंग, जो इसके पहले वाले प्रीवियस स्क्रैचेस थे वो अब हमें नजर नहीं आएंगे, हमें जो नया एमरी पेपर हमने यूज किया था, फॉर एग्जाम्पल ये
रफ ग्राइंडिंग थी और ये था नंबर वन एमरी पेपर। ये जो हमने यूज किया है, तो अब पहले वाले रफ ग्राइंडिंग वाले स्क्रैचेस खत्म हो गए, अब नंबर वन जो पेपर हमने यूज किया वो स्क्रैचेस आ गए स्टूडेंट्स। अब ये अभी नोट उसी जगह पे मौजूद है, इसको जहन में रखना है कि अब जब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा नेक्स्ट पेपर, और नेक्स्ट पेपर क्या होगा, 1/0। ये 1/0 के ऊपर हम चले गए। अब स्टूडेंट्स ये जो एग्जिस्टिंग स्क्रैचेस है, नोट हमें ये कह रहा है कि उसके परपेंडिकुलर आपने मूव करना है। अब इस जो आपका वर्क पीस है, स्पेसिमन है, उसको आपने रोटेट करना है और इन स्क्रैचेस के परपेंडिकुलर स्क्रैचेस आने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो प्रीवियस स्क्रैचेस हैं, ये पहले वाले ये हैं, लेकिन जो नए स्क्रैचेस इसके ऊपर आएंगे वो इसके परपेंडिकुलर आने चाहिए। ठीक है, तो जब ये ऑपरेशन कब कंप्लीट होगा, जब ये पहले वाले स्क्रैचेस सारे खत्म हो जाएंगे और उस एमरी पेपर के नए वाले स्क्रैचेस इसके ऊपर अपियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज और नोट कीजिएगा, पहले स्क्रैचेस ज्यादा थे, जैसे जैसे आप फाइन पेपर की तरफ जाते जाएंगे, फाइन पेपर ये इससे ये फाइन, इससे ये फाइन, इससे फिर ये फाइन, फिर ये और लास्ट ये वेरी फाइन पेपर, तो जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जैसे जाएंगे स्क्रैचेस कम होते जाएंगे। ये देख लें, पहले स्क्रैचेस ज्यादा थे, अब इससे कम हो गए, अब इससे कम हो गए, लेकिन करना क्या है, हर स्टेप में आपने उसको परपेंडिकुलर मूव कर देना है। आई होप कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, कभी भी आप स्पेसिमन प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, एक अ गुड स्पेसिमन जो कि रिक्वायर्ड है मेटालोग्राफी के लिए। तो स्टूडेंट्स वापस आते हैं कि इंटरमीडिएट पॉलिशिंग हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कहा कि सीरीज ऑफ एमरी पेपर्स हम यूज करेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो कोर्स होगा रफ पेपर होगा, अब उसके बाद ये फाइन पेपर्स होते जाएंगे, फाइनली 4/0 हम यूज करेंगे। तो इस ये सारा यूज करने के बाद क्या होगा, हमारे पास स्क्रैच फ्री सरफेस आएगी, आपको ऐसी सरफेस मिलेगी जिसके ऊपर बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं होंगे। तो ये जो एमरी पेपर्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट शेप्स में आपको अवेलेबल हैं, स्पेयर शेप में अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है और राउंड शेप में भी अवेलेबल है। राउंड जो है वो हम ये पहले दो जो है स्केयर और रेक्टेंगुलर, इनको हम मार्बल यूज करते हैं, लेकिन ये जो राउंड वाले हैं इसके लिए हमारे पास रोटेटिंग व्हील मशीन है। ठीक है, उनके ऊपर हम इनको पेस्ट कर लेते हैं और ये जब मूव करते हैं तो स्पेसिमन को इसकी एक साइड के ऊपर हम होल्ड कर लेते हैं, तो नीचे जब जो एवरी पेपर मूव करेगा तो एक डायरेक्शन में इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगी, तो रोटेटिंग व्हील्स के ऊपर हम ये राउंड जो है एवरी पेपर इनको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो एवरी पेपर थे, अब ये पेपर जो है हम ड्राई मेथड से भी इसको यूज करते हैं, वेट मेथड से भी यूज करते हैं। What it means कि जब हम इनको यूज करेंगे तो हम इनके ऊपर किसी किस जैसे आप सैंड पेपर यूज करते हैं उनको वेट नहीं करते, उनके ऊपर पानी या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करते, तो इनको आप ड्राई भी यूज करते हैं। हार्ड मेटल के लिए हम ड्राई यूज करते हैं, सॉफ्ट मेटल के लिए हम वेट यूज करते हैं। सॉफ्ट मेटल्स के लिए जो हम ये जो एमरी पेपर यूज करते हैं वो और ज्यादा स्पेशल होते हैं, स्पेशल एमरी पेपर होते हैं। क्या स्पेशलिटी होती है उनमें, वो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका कटिंग एक्शन ज्यादा होता है, फास्ट होता है, तो ये एब्रेसिव स्पेशल एब्रेसिव होते हैं। तो लेकिन उसको जो इनका ग्रेटर जो है रिमूवल एक्शन होता है, उनको हम जो उसके ऊपर एमरी पेपर के ऊपर हमने उसके ऊपर स्टिक किया होता है, उनकी बॉन्डिंग की होती है, वो कैसे की होती है, रेजिन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, रेजिन बॉन्डिंग जो होती है वो वेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है लोकल जो है अगर ग्लू के साथ उनको एब्रेसिव को हमने उसके ऊपर लगाया हो पेपर के ऊपर उसको वेट करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, उनको हम ड्राई यूज करते हैं, लेकिन रेजिन बॉन्डेड जो होते हैं एमरी पेपर उनको हम वेट यूज कर सकते हैं। तो वेट का फायदा क्या होता है कि जब इनमें रिंजिंग एक्शन होता है कि जब वो आप यूज कर रहे हैं यहाँ इसके ऊपर से बर्स जो है रिमूव हुई है
तो वो जो वाटर होगा जो लुब्रिकेंट होगा उस बर्फ को वो जो वेस्ट कर देगा, वो रिंस कर देगा, फ्लश कर देगा। अदरवाइज अदरवाइज अगर वो फ्लश ना करे तो सॉफ्ट मेटल उस एब्री पेपर के अंदर जो है वो स्टक हो जाएगी और उसको क्लॉग्ड कर देगी, जो जिसके स्क्रैचेस जो है स्पेसिमन के ऊपर मजीद बढ़ जाएंगे, ठीक है, ना कि वो रिमूव होंगे, मजीद बढ़ जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पॉलिशिंग। तो इंटरमीडिएट पॉलिशिंग हम कैसे करते हैं, सीरीज ऑफ एमरी पेपर्स के ऊपर हम ये करते हैं, ठीक है, और हर स्टेप में हमने जो एग्जिस्टिंग स्क्रैचेस है उसके परपेंडिकुलर स्पेसिमन को मूव करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और तब तक वो स्टेप करना है जब तक प्रीवियस स्क्रैचेस जो है वो खत्म हो जाएं और नई स्क्रैचेस जो है वो उसके ऊपर आना जाएं, तब तक हमने ये स्टेप करना है, और ये है इंटरमीडिएट पॉलिशिंग। और जब हम इंटरमीडिएट पॉलिशिंग कर चुके होंगे, 4/0 पेपर यूज कर चुके होंगे, हम देखेंगे कि हमारा स्पेसिमन जो है वो स्क्रैच फ्री हो गया है, उसमें कहीं हमें स्क्रैच नजर नहीं आए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फाइन पॉलिशिंग। लास्ट स्टेप है पॉलिशिंग में फाइन पॉलिशिंग। इसके लिए जरूरी नोट देख लें, द टाइम कंज्यूम्ड एंड द सक्सेस ऑफ फाइन पॉलिशिंग डिपेंड्स लार्जली अपॉन द केयर टेकन इन द प्रीवियस पॉलिशिंग स्टेप्स। फिर वही बात कि फाइन पॉलिशिंग कब सही होगी, फाइन पॉलिशिंग कब एक बेस्ट स्पेसिमन तैयार होगा, जब इससे प्रीवियस जो आपने ये 4 स्टेप्स किए हैं ये प्रॉपर किए होंगे। अगर ये आपने प्रॉपर नहीं किए तो फाइन पॉलिशिंग आपका स्पेसिमन जो है नहीं बना सकती। फाइन पॉलिशिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिरर लाइक सरफेस बनाना है सिर्फ, ठीक है। अगर स्पेसिमन के ऊपर स्क्रैचेस होंगे तो स्क्रैचेस के साथ मिरर जो है वो नहीं होता, मिरर के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं होता, तो मिरर तब बनेगा जब स्क्रैच फ्री सरफेस आपके पास होगी। तो स्क्रैच फ्री सरफेस जो है वो इंटरमीडिएट पॉलिशिंग में आपके पास होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर फाइन पॉलिशिंग। अब फाइन पॉलिशिंग जो है उसमें 2-3 मेथड यूज करते हैं हम। नंबर 1 इज मैकेनिकल फाइन पॉलिशिंग, 2nd इज केमिकल फाइन पॉलिशिंग, एंड 3rd इज इलेक्ट्रिक फाइन पॉलिशिंग। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल फाइन पॉलिशिंग। फाइन पॉलिशिंग हमारा जो है वो टॉपिक है, उसमें है मैकेनिकल फाइन पॉलिशिंग। ये है मैकेनिकल फाइन पॉलिशिंग। इंटरमीडिएट फाइन पॉलिशिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मैकेनिकल फाइन पॉलिशिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस अ स्क्रैच फ्री मिरर लाइक सरफेस। स्टूडेंट्स फाइन पॉलिशिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्क्रैच फ्री मिरर लाइक सरफेस। अब स्क्रैच फ्री सरफेस होगी, प्रीवियस जो स्टेप्स हमने किए हैं अब हमने उसमें स्क्रैच फ्री होगी तो मिरर लाइक जो सरफेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज मिरर लाइक सरफेस हम नहीं बना सकते। तो केयर जो सबसे ज्यादा है वो इंटरमीडिएट पॉलिशिंग तक है कि आपने स्क्रैच फ्री सरफेस जो है वो उसको प्रिपेयर करना है। तो फाइन पॉलिशिंग हम कैसे करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेट रोटेटिंग व्हील कवर्ड विद स्पेशल क्लॉथ दैट इज चार्ज्ड विद केयरफुली साइज्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स। तो फाइन पॉलिशिंग हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये फाइन पॉलिशिंग मशीन है जिसके ऊपर एक रोटेटिंग व्हील है, रोटेटिंग व्हील के ऊपर हमने एक स्पेशल क्लॉथ जो है वो उसको स्टिक किया हुआ है। स्पेशल क्लॉथ के ऊपर हमने ये वाटर टैप से इसके ऊपर मुसलसल जो है पानी जो है वो इसके ऊपर हम फीड कर रहे हैं, इसको वेट किया हुआ है हमने, और ना सिर्फ वेट किया हुआ है बल्कि इसके साथ हम अब्रेसिव पार्टिकल्स भी यूज कर रहे हैं। ये बड़ी केयरफुली साइज्ड अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ही इनका माइन्यूट साइज होता है, पाउडर फॉर्म में ये पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं। ये जितने भी आपने अब्रेसिव अभी 4/0 तक यूज किए हैं इनसे इनका साइज बहुत ही कम होता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि केयरफुली साइज अब्रेसिव पार्टिकल्स। इसमें एक भी पार्टिकल जो है वो साइज से उसकी वेरिएशन नहीं होती, वो एक ही साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो
इस मशीन के ऊपर क्लॉथ के ऊपर हमने स्पेसिमन को इसके ऊपर होल्ड करना है और इस स्पेसिमन को वेट करने के बाद हमने ये जो पाउडर है एब्रेसिव का उसके साथ पाउडर में डिप करके हमने इस सरफेस इसके ऊपर हमने रखना है क्लॉथ के ऊपर और इसको हमने मूव नहीं करना, एक जगह के ऊपर हमने रख के इसकी जो है पॉलिशिंग करनी है। तो फिर साथ साथ हमने चेक करना है कि इसके ऊपर जो है वो इसकी सरफेस जो है मिरर लाइक हो गई है। जब सरफेस स्पेसिमन की मिरर लाइक हो जाए तो फिर ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो हम क्लॉथ यूज करते हैं वो स्पेशल क्लॉथ कौन कौन से हैं, डिपेंड करता है कि आपके आपका जो है स्पेसिमन किस मटेरियल का है, सॉफ्ट है हार्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लॉथ जो है वो चूज करते हैं। इसके ऊपर सिल्क क्लॉथ हम लगाते हैं, ब्रॉड क्लॉथ भी यूज करते हैं, कैनवस क्लॉथ भी यूज करते हैं, वेलवेट क्लॉथ भी यूज करते हैं, मोस्टली वेलवेट क्लॉथ जो है वो यूज होता है। इसके अलावा सिंथेटिक पॉलिशिंग क्लॉथ भी मार्केट में अवेलेबल है, गैमल उसकी एक एग्जाम्पल है, माइक्रो क्लॉथ उसकी एग्जाम्पल है। तो ये सारे क्लॉथ जो है ये हम इस मशीन के ऊपर हम यूज करते हैं। तो अब्रेसिव्स कौन कौन से हैं जो हम इसके ऊपर यूज करते हैं, वो पाउडर जो मैंने कहा है बड़ा जो है केयरफुली साइज अब्रेसिव होते हैं, तो वो है सबसे फर्स्ट वन एलुमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर है। ये फेरस मेटल्स के लिए, स्टील्स के लिए, कॉपर के अलॉयज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सीरियम ऑक्साइड, इसको हम ये भी जो है मेटल का ऑक्साइड है, इसको एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज के लिए, मैग्नीशियम और उसके अलॉयज के लिए हम ये पाउडर इस्तेमाल करते हैं। डायमंड पेस्ट, डायमंड पेस्ट ये स्पेशल लुब्रिकेंट के अंदर डायमंड के पार्टिकल्स जो है उनका पेस्ट होता है, वो हार्ड मेटल्स के लिए, टूल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड ये भी हार्ड मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉफ्ट मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एब्रेसिव्स हैं, केयरफुली साइज्ड एब्रेसिव्स पाउडर फॉर्म में जो हम इस वेट क्लॉथ के ऊपर हम स्पेसिमन के साथ यूज करते हैं और स्पेसिमन जो है उसकी जो सरफेस है उसको मिरर लाइक बनाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फाइन पॉलिशिंग तक स्पेसिमन की प्रिपरेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम क्लास है उसमें हम इसकी एचिंग करेंगे और उसके बाद इसका माइक्रो एग्जामिनेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।